गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो जैसे कि अभी आ गई हूँ मैं घर और चेंज कर ली हूँ ड्रेस क्योंकि ठंड बहुत है। वीडियो में आजकल आप लोगों को बता दूँ ठंड बहुत है, तो ये मैं पहनी हूँ स्वेटर, जैसे कि अपने हस्बैंड वाला निकाल के उनका रखा रखा हुआ स्वेटर मैं ही पहनती हूँ। वो पहनते थे, ये नहीं पहनते थे वो, ये उनको थोड़ा सा छोटा होता था तो मुझे बहुत प्यारा लगा था तो मैं ही ली थी। तो नहीं पहनते थे तो फिर मैं पहनने लगी। और किसी ने मुझे ये पूछा था कि दी आपका जैकेट बहुत ही प्यारा है, जैकेट का क्या प्राइस है? तो इसका प्राइस है शायद मुझे भी नहीं याद है क्योंकि हो गया इसका 4-5 साल हो गया, तो ये मतलब 3300 का था या 36 का था, ऐसे ही था। ये है ना ओरिजिनल नाइकी का है, ये मैं तिब्बत से ली थी, तिब्बत मार्केट से, देख सकते हो इसका टैग नाइकी का है। ये यहाँ पे भी आप देख सकते हो, तो ओरिजिनल नाइकी है ये, इसका टैग हर जगह पे लगा हुआ है। और यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, मैं गई थी शौर्य सिंह का स्कूल, तो शौर्य सिंह का रिजल्ट था, पीटीएम था, पेरेंट्स मीटिंग, तो गई थी अभी ऑफिस से आते आते और लेकर आई हूँ रिजल्ट। तो चलिए आप लोग को रिजल्ट बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि कैसा रिजल्ट है। मैं सॉरी फिन के रिजल्ट से खुश नहीं हूँ। क्यों नहीं खुश हूँ मैं? क्यों, क्या 71% क्या होता है? ओनली इनका इंग्लिश में अच्छा आया है, बाकी सब में गंदा है। अभी दिखाती हूँ आप लोग को बैक कैमरे से, इनका शक्ल भी दिखा देती हूँ पहले, देख सकते हो आप लोग। नहीं पढ़ते हैं तो क्या रिजल्ट अच्छा थोड़े ना आएगा? बस मम्मा मेहनत करती है, इन लोग अपने आप से मेहनत करता ही नहीं है। तो दिखाती हूँ, रुकिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, ये तो है इंग्लिश में, ये फर्स्ट टर्म का है जो ये 35 लाया था, और यहाँ पे है सेकेंड टर्म का जो ये लाया है 84। ये है इसका हिंदी जो लाया था 35, सेकेंड टर्म में लाया है 60। ये है इसका मैथ जो लाया था ये 35, इस बार लाया है 64। ईवीएस है जो पिछले बार लाया था 35, इस बार लाया है 66। ये इसका जीके है जो 18, इस बार भी ये 18 ही लाया है, ठीक है। इसका ड्राइंग है, ड्राइंग में लाया है 45, ठीक है। इसका कंप्यूटर है जिसमें लाया है ये 15, और इसका आ गया इंग्लिश राइटिंग, राइटिंग में लाया है 45, 50 नंबर का था, 45 लाया है, पिछले बार 18 था, इस बार इसका ठीक है, प्रोग्रेस है। और हिंदी राइटिंग में लाया है ये 50 में 50, पिछले बार था 18, इस बार लाया है 50, ठीक है। और ऑडियो टेस्ट में लाया है 45, ठीक है। म्यूजिक में लाया है 45। क्या म्यूजिक में गाया था तुम आंधा, तुमको क्या है क्या चीज? इसका टोटल नंबर जो है 537 है, 71% 60 है। तो ये है इसका फर्स्ट टर्म का, ये है सेकंड टर्म का। अब इसका होगा फाइनल एग्जाम जो होगा फरवरी लास्ट में, तो यहाँ लिखाएगा फाइनल एग्जाम का पूरा, देखती हूँ टोटल क्या आता है। यहाँ से यहाँ थोड़ा सा सही है, बट मैं यही बोल रही हूँ कि इसमें पूरा फाइनल में इतना लाना है, इतना लाना है कि मम्मा खुशी के मारे कोई गिफ्ट आपको करे, ठीक है। गिफ्ट आते नहीं, गिफ्ट क्यों नहीं आता है? तो बैडमिंटन नहीं आया? हाँ, वो तो दीदी का आया। दीदी का पर्सनल थोड़े बैडमिंटन दो है, दोनों का है। तो उसमें दोनों का है, एक अकेले इंसान थोड़े कोई खेलता है बैडमिंटन। तो मेरा यही है कहना, इतना लाओ कि मम्मा खुशी के मारे बिना कहे हुए आपको कोई गिफ्ट करेगी। क्या गिफ्ट दोगे? गिफ्ट बताऊंगी नहीं, सरप्राइज रहेगा, बट गिफ्ट करूंगी, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे अभी मैं ऑफिस से आने के टाइमिंग लाई थी समोसा, क्योंकि बहुत दिन हो गया था तो कुछ खाने का मन कर रहा था, और यहाँ पे लाई हूँ गर्मा गर्म जलेबी। सारे का फेवरेट बोल ही रहा था कि आज मम्मा जलेबी काट ले आए। बोल रहा था, हाँ बोल तो ना कि आज का जलेबी मम्मा लेके आ जाए। तो जो तुम बोलता है देखो मम्मा सुन लेती है ना, लेकिन समोसा नहीं बोला था। ठीक है, तुम समोसा मत खाना। हाँ।
भटूरा। कैंची कहाँ गया जी? कैंची तो रह ही नहीं सकता है किचन में, दिन भर काट पीट के लिए इधर से इधर इधर से इधर। आप से कुछ नहीं ना कर रहे सारे ना। तो कैंची क्यों ले गई? कैंची हम लोग लेके नहीं गए, हम लोग तो बस पतंग उड़ा रहे थे। फाइनली अब हम लोग छत पे आ गए हैं और यहाँ पे देख सकते हो जलेबी, समोसा और छोला पतंग। और बहुत अच्छा लग रहा है, धूप में पैर सिक रहा है, इतना ठंड हो जाती है ना, पैर पूरा सिकुड़ जाता है और सिक रहा है तो अच्छा लग रहा है। चलिए पहले खाते हैं, हम इंजॉय करते हैं, है ना। तो गाइस फाइनली हो गया इवनिंग का टाइम और पूरा बॉडी पेन हो रहा है, तो मैं छत पर से आकर रोटी बनाई। रोटी बनाने के बाद मस्ती से नींद ली, तागड़ी वाली नींद, और मजा आ गया। आज धूप अच्छी थी तो धूप सेकने के बाद थोड़ी सी ठंड कम लगी, ऐसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी नीचे में, तो अभी भी ठंड है, पर छत पे बहुत अच्छा लग रहा था धूप में। तो अभी हो गया है यहाँ पे, हाँ बचपना, और यहाँ पे देख सकते हो सौम्य शौर्य सीन कर रहे हैं अपना पढ़ाई। राइटिंग अच्छे से लिखना है, ठीक है, राइटिंग में अच्छा नंबर लाया है कि इसको कोई उठा के दे दिया है, क्या पता। हाँ। तो मैं चलती हूँ अभी, स्कूटी अंदर करना सुना है। स्कूटी अंदर कर लेती हूँ क्योंकि स्कूटी मेरी बाहर खड़ी है, हो गया है। आप लोगों को दिखा देती हूँ मेरा दोनों कहाँ खड़ा है, देखिए बाहर खड़ा है, मैं अभी शंदर करती हूँ पहले। तो गाइस चलिए अब मैं चलती हूँ किचन की ओर, क्योंकि मम्मा ये बोलो तो कभी बोलता ना सेक्शन एफ में है, सेक्शन एफ क्या, कभी बोलता है सेक्शन एफ में है, कभी बोलता है सेक्शन बी में है, और कभी बोलता है ऐसे तो है तो ए में, सारे में है, ये बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, आगे मुझे नहीं आता ये बी सी डी। तो गाइस क्या बनाऊं फाइनली, तो मैं लाई हूँ यहाँ पे देख सकते हो कितनी ताजी ताजी पालक है भैया, बहुत ताजी ताजी है, हरी हरी खुल्या सिम सिम खुल्या। गाजर के हलवा, गाजर लेकर आई हूँ, रंगले रंगले से अपना देखता है क्या, लो मिर्च का हलवा खाओ, पूरे दिन खाने का फरमाइश, पूरे दिन कभी ये बनाओगे कभी वो बनाओगे। कैसा मेरा फेस दिख रहा, चमक रहा है बिल्कुल। तो चलिए मैं ब्लॉग यहीं पे एंड कर देती हूँ, मैं जा रही हूँ खाना बनाने, जिसमें है आलू पालक की सब्जी। सारे मर रहना और थूक गिरे जा रहा है। तो चलिए ब्लॉग यहीं पे एंड करूंगी गाइज, और जब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर, मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नया आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और सौर्य सिंह का रिजल्ट कैसा है वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। के लो देखो क्या लिखा, लाइक शेयर लाइक लाइक एंड शेयर।